सुनिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को बिना जांचे, तथ्यों को बिना देखे इस प्रकार का निर्णय दिया है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहना चाहती है, क्या सोचती है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो विश्व का सबसे अच्छा न्यायालय है, सबसे क्रेडिबल जुडिशियली सिस्टम है, उसके ऊपर उंगली उठा रही है। 10 दिन पहले राहुल गांधी जी ने पूर्व न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के लिए किस प्रकार के भद्दे कॉमेंट और भद्दा ट्वीट किया था कि वो इन्फ्लुएंस होते थे सरकार से। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस में काम करती है, उसके लिए राहुल जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इंपीचमेंट अध्यादेश लाकर किस प्रकार से इंपीचमेंट तक करना चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी को उनके फेवर का जजमेंट नहीं मिला, सत्य की जीत हुई। तो राहुल गांधी जी न्यायमूर्ति को हटाना चाहते थे, आप न्यायमूर्ति को धमका रहे थे, ईवीएम खराब है और इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। ये किसके शब्द हैं, किसके शब्द थे? राहुल गांधी जी के शब्द हैं कि ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का काम कर रही है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट तक को रफाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, पवन खेड़ा जी माफी मांगे, पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट बरगला रही है, पवन खेड़ा जी ने ऐसे कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इंपीचमेंट में काम कर रही है, पवन खेड़ा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत है, नहीं नहीं, पवन खेड़ा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत न्याय दिया है, ऐसा कैसे कह दिया? आप माफी मांगिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो वहीं के जजेस ने आकर बोला। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए सर्वोच्च न्यायालय के लिए, आप अभी जिन्होंने बोला वो तो आप चीफ जस्टिस हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आप चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने बोला और उन्होंने ये दिया है फाइल का वर्डिक्ट। आपने कैसे कहा कि उन्होंने गलत वर्डिक्ट दिया है, आप माफी मांगिए। आप जो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस में काम करती है, मैं उस पर आपत्ति करता हूं। सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छा न्याय देती है, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत न्याय दिया है, उसके लिए माफी मांगिए। आप ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस में काम करती है, माफी मांगिए।